नमस्कार, इंडिया खबर लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा और आप खबरें विस्तार से। ग्वालियर शहर की 3 शराब दुकानों को लेकर सहायक आयुक्त सवालों के कटघरे में खड़े हो गए। 2 देसी और 1 विदेशी मदिरा की दुकानों पर करीब 2.25 करोड़ की लाइसेंस फीस बकाया होने के बावजूद यह दुकानें विभाग की छत्र छाया में बेरोक टोक चलती रही। इसकी शिकायत पिछले दिनों आबकारी विभाग और कलेक्टर को की गई थी। कलेक्टर ने इस मामले की जांच कराई है और अपना प्रतिवेदन वाणिज्य कर विभाग के प्रमुख सचिव को भेज दिया है। दरअसल पुरानी छावनी की अंग्रेजी और देसी शराब की दुकान को 4 फरवरी की रात अचानक विभाग ने माल भरकर बंद कर दिया था। इन दुकानों पर 1.07 करोड़ रुपए की राशि बकाया थी, लेकिन इसके उलट आमखो की देसी शराब दुकान निर्विरोध रूप से चलती रही। इस दुकान पर भी लगभग इतनी ही राशि लाइसेंस फीस की बकाया थी। लाइसेंस फीस बकाया होने के बावजूद विभाग की पक्षपातपूर्ण कार्रवाई विवादों में आ रही है। कलेक्टर ने इसकी जांच विभाग के ही डिप्टी कमिश्नर से कराई थी। पहली जांच में ही सहायक आयुक्त संदीप शर्मा पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगा है। पता चला है कि डिप्टी कमिश्नर ने भी असिस्टेंट कमिश्नर के खिलाफ लगाए गए आरोपों को सही पाया है और अपनी रिपोर्ट कलेक्टर को सौंपी है। पता चला है कि 15 मार्च तक की स्थिति में दुकानों पर करीब 2.25 करोड़ रुपए की लाइसेंस फीस बकाया है, जबकि शासन को तीनों दुकानों के बंद होने से रोजाना लगभग 2.5 लाख रुपए के राजस्व का नुकसान अलग से हो रहा है। काशी इंफ्राटेक नामक शराब दुकान जो आमखो बस स्टैंड के नज़दीक है, वो किनी मयंक शिवहरे के नाम पर है, जबकि पुरानी छावनी की दोनों दुकानें शेंकी गुप्ता के नाम से दर्ज थीं। प्रमुख सचिव को इस मामले में निर्णय लेना है कि वो शासन को हुए नुकसान की भरपाई के लिए क्या कदम उठाते हैं और इसके लिए अपने ही विभाग के दोषी अफसरों पर क्या कार्रवाई करते हैं। इसमें ये एक्साइज वाले मामले में अब एक जांच कराई गई थी और इस जांच के रिपोर्ट को माननीय पीएस जो कॉमर्शियल टैक्सेस हैं उनको भेजी गई है शासन को, और अब शासन के द्वारा इसमें जो भी होगा तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, कुछ निकल के आया जांच में? उसमें जांच हमने एक्साइज के डिप्टी कमिश्नर के द्वारा कराई गई थी। कुछ बिंदु उन्होंने प्रकाश में डाले गए हैं, तो बेहतर ही होगा भोपाल से एक टीम आ जाएगी कोई विशेषज्ञों की, वो सभी मुद्दों पे अपनी जांच भी करेगी और जांच के बाद जो भी नोटिस देंगे, जो कार्रवाई करनी होगी अनुशासनात्मक जो भी संबंधित अफसरों पर, वो भी की जाएगी। सर, लाइसेंस फीस ऐसा पता लगा था जमा नहीं हुई? जो भी लाइसेंस फीस जमा ना करने का है, शासन को रॉयल्टी का नुकसान पहुंचाने का जो भी मुद्दा है, इसी कारण हमने पीएस शासन को रिपोर्ट भेजी थी। ग्वालियर में पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव ज्योतिरादित्य सिंधिया का रेलवे स्टेशन पर स्वागत करने पहुंचे कार्यकर्ताओं ने स्टेशन परिसर में जमकर हंगामा किया। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी देखने को मिली। सिंधिया के रेलवे स्टेशन से बाहर जाते ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक युवक की जमकर मारपीट कर दी। मारपीट का शिकार हुआ युवक भी अपने आप को कांग्रेसी बता रहा है। दरअसल आज सुबह शताब्दी एक्सप्रेस से ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर पहुंचे, जहां सैकड़ों की तादाद में कांग्रेसी नेता व कार्यकर्ता उनका स्वागत करने के लिए स्टेशन पहुंचे थे। जब ज्योतिरादित्य सिंधिया रेलवे स्टेशन से बाहर निकल रहे थे, तभी कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भीड़ में चोरी के शक में एक युवक की मारपीट शुरू कर दी। मारपीट होता देख कांग्रेस के कुछ नेताओं व पुलिस ने युवक को बचाया और मामले को शांत कराया। मारपीट का शिकार हुआ युवक धर्मेंद्र शर्मा भी अपने आप को कांग्रेसी कार्यकर्ता बता रहा है। फिलहाल पुलिस ने मारपीट का शिकार हुए युवक धर्मेंद्र शर्मा और मारपीट करने वाले कार्यकर्ताओं को थाने बुलाया है। वहीं कांग्रेसी नेताओं के द्वारा पूरे मामले में समझा बुझाकर शांत करने का प्रयास किया गया। महाराष्ट्र से मिलने आए थे, फिर क्या हुआ? ये लोग मारने लगे, कुछ लोग जो आगे पीछे से क्यों मार दिया, महाराष्ट्र से मिल रहा था, क्यों मारा इन लोगों? कैसे मारने लगे पकड़ के? तो आप पे आरोप भी लगाया चोरी का? हाँ, चोरी का आरोप लगा रहे हैं। मैं वाली चिल्ली ये देख रहा हूँ। आप करते क्या हैं? आप मैं खेती करता हूँ, महाराष्ट्र से मिला हुआ हूँ। पिछले 25 साल से हूँ। कौन? कुछ विवाद हुआ है, जब तक मैं बाहर से अंदर को आया हूँ तब तक कुछ विवाद हो रहा था। अभी इनको लेके जा रहे हैं, जो भी होगी पूछताछ कर लेंगे। जैसा भी होगा, मेरे सामने नहीं हुई है, पहले बताना कि मारपीट हुई है। दिखवा लेता हूँ मैं, जैसा भी रहेगा। ग्वालियर शहर के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के शारदा विहार कॉलोनी में रहने वाले पुलिस विभाग के फॉरेंसिक एक्सपर्ट के यहाँ अज्ञात चोरों ने धावा बोलकर करीब 3 लाख रुपए का माल उड़ा दिया। खास बात यह है कि चोरी की यह पूरी वारदात घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है।
दरअसल विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के शारदा बिहार में स्थित 140 नंबर मकान में FSL एक्सपर्ट मनीष पांडे रहते हैं। उनकी पोस्टिंग शहर में है एवं उनकी पत्नी अनीता पांडे भी अधिकारी हैं और उनकी पोस्टिंग ग्वालियर में है। होली के मौके पर पत्नी पति के पास शिवपुर चली गई थी, जबकि मकान मालिक भी दिल्ली में जॉब करते हैं। इस दौरान मौके का फ़ायदा उठाकर दीवार फांद कर दो अज्ञात चोर अंदर दाखिल हुए और पीछे का दरवाज़ा तोड़ते हुए घर में घुस गए। चोरों ने करीब 3 घंटे पूरे घर की इत्मीनान से तलाशी ली और फिर घर की करीब 25 नल की टोंटियां, ज्वेलरी, टीवी और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उड़ा दिए। CCTV फुटेज में दो युवक घर में घूमते फिरते ताला तोड़ते नजर आए हैं। आशंका है कि बदमाश आसपास के ही रहने वाले हैं और उन्होंने रैकी करने के बाद अधिकारी के घर को निशाना बनाया है। विश्वविद्यालय पुलिस अधिकारी के यहाँ हुई चोरी CCTV कैमरे की फुटेज को मुख्य सूत्र मानते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। मैं एक्चुअली श्योपुर में पोस्टिंग हूँ मेरी। श्योपुर में मैं वैज्ञानिक अधिकारी हूँ, तो मैं वहीं निवास करता हूँ और हमारी जो मिसेज हैं वो RFSL ग्वालियर में हैं। और होली के एक दिन पहले छुट्टी लेकर जो है वो श्योपुर आई थी, तो इस दौरान क्या है कि घर खाली था पूरा, तो चोर जो है शायद या इसी का फ़ायदा उठाकर जो है उनको कुछ भनक थी इस टाइप की, तो दोपहर के समय करीब जो है इन्होंने चोरी करी है। इसका अंदाज़ा मैं ऐसे पता चला कि कल सुबह जो है हमारे पिताजी जो सुबह आए तो उन्होंने देखा कि घर का ताला टूटा हुआ है और हमें इन्फॉर्म किया, तो वहाँ श्योपुर जब हम 3 बजे आए तो 3 बजे आके हमने यहाँ पर देखा कि सामान जो है सब बिखरा पड़ा हुआ है और गोल्ड वगैरह का जो सामान है, इलेक्ट्रॉनिक सामान है काफ़ी, वो चला गया है। तो इसके बाद फिर CCTV कैमरे को हमने जब देखा तो मालूम पड़ा कि ये लगभग दोपहर के 21 तारीख को दोपहर के 2:30 बजे के आसपास की घटना है। तो उसमें दो अभी दिखाई दे रहे हैं आरोपी, काफ़ी क्लियर दिखाई दे रहे हैं उनका फेस, और उसको देखा गया तो उनने सारा जो है टोंटियाँ वगैरह तोड़ी हैं और किचन में से भी सामान लिया है। क्या क्या सामान लिया? किचन में से मिक्सर ग्राइंडर वगैरह गया है, रूम में से एक 42 इंच का स्मार्ट TV है वो गया है, म्यूजिक सिस्टम गया हुआ है फिलिप्स का, और इसके अलावा जो है ज्वेलरी गई हुई है, गोल्ड की ज्वेलरी है, डायमंड की ज्वेलरी है कुछ, और जी कैश था, पर कैश वो दूसरी अलमारी में था, वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, वो कैश ज़्यादा भी नहीं था। टोटल कितने? लगभग 3 लाख के आसपास का सामान है, चांदी का भी सामान था उसके अंदर, पायलें वगैरह थी, गिलास थे। क्या लगता है आपको कौन लोग हो सकते हैं होली से? होलिये से तो ऐसा लग रहा है कि ये आसपास के लोकल के कोई लोग हो सकते हैं, और इनका काम इस तरह का ही है कि थोड़ा सा ये नल की टोंटियाँ वगैरह तोड़ना और इस टाइप थोड़ा सा करना, पर ये है कि दिन में करना ये बहुत बड़ी बात है। दोपहर में बाउंड्री को फांद कर ये लोग आए हैं, सामने से बाउंड्री को फांद करके आए हैं। कितनी देर रहे होंगे ये? कम से कम दो घंटे की तो मैंने अभी देखी है, 2 घंटे तक तो ये रहे हैं, 2 घंटे तक तो निकले नहीं है, उसके बाद ही अभी और देखेंगे हम लोग धीरे धीरे। क्या कार्रवाई की है पुलिस ने? कल हमने FIR दर्ज करा दी है और उसके बाद जो है पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भेजा था तो वो अपना थोड़ा सा देख गए हैं कैसा नक्शा मौका वगैरह बना गए हैं, और कुछ आसपास के CCTV वगैरह बोल रहे हैं, हम लोग थोड़ा खंगालेंगे, शायद कुछ निकलेगी उससे इन्फॉर्मेशन। हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने ग्वालियर विकास प्राधिकरण यानी GDA की सुरेश नगर और जिवाजी नगर की 52 साल पहले आवंटित की गई जमीन का मालिक माना है और एक सोसाइटी द्वारा बेची गई जमीन करीब 7 बीघा का GDA को 3 महीने के भीतर उसका कब्जा लेने के निर्देश दिए हैं। आपको बताते चलें कि हाईकोर्ट के इस फैसले से सुरेश नगर और जीवाजी नगर के 3 सर्वे नंबरों के 5 दर्जन से ज्यादा मकानों पर बेदखली के बादल मंडराने लगे हैं, क्योंकि GDA को कोर्ट ने 3 महीने के भीतर कब्जा लेने के आदेश दिए हैं। 1967 में शासन ने GDA को ये जमीन आवंटित की थी, जिसमें उसे आवासीय भूखंड बनाकर उन्हें विकसित करने की जिम्मेवारी सौंपी गई थी, लेकिन एक सोसाइटी ग्वालियर लैंड डील्स एंड फाइनेंस ने जमीन का विक्रय कर दिया, जिसे विक्रय करने का उसे कोई अधिकार नहीं था। समिति ने 2005 में कोर्ट में एक अपील दायर की थी, जिसमें 5 प्लॉट पर अपना आधिपत्य मांगा गया था, लेकिन कोर्ट ने उसकी अपील खारिज कर दी थी और विवादित 5 प्लॉट के साथ ही उक्त सर्वे नंबर की करीब 1 लाख वर्ग फीट से ज़्यादा की जमीन GDA की मानी थी। विवादित जमीन पर 5 दर्जन से ज़्यादा मकान बने हुए हैं और वहां एक मैरिज गार्डन भी संचालित किया जा रहा है। कानून के जानकारों का कहना है कि विवादित जमीन पर काबिज लोग सुप्रीम कोर्ट में
SLP दायर कर सकते हैं। वहीं GDA का कहना है कि वो बेदखली के लिए लोगों को नोटिस जारी करेगा। ये ग्राम गौसपुरा में 7 बीघा जमीन का मामला था और ग्वालियर लैंड डील कंपनी द्वारा दावा लगाया गया था डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल परमानेंट इंजंक्शन का, और दैट सूट वाज फाइल्ड ऑन द ग्राउंड कि वो ऑनर हैं, पोजीशन में हैं और उनके द्वारा अन्य लोगों को भूमि का विक्रय किया गया है। लेकिन जनवरी 1967 में गजट नोटिफिकेशन सेक्शन 71-2 में पब्लिश हुआ था, उस गजट नोटिफिकेशन के कारण एंटायर लैंड इन क्वेश्चन 7 बीघा 5 बिस्वा वेस्टेड फ्री फ्रॉम ऑल एनकमरेंसेज विद द ट्रस्ट। पहले ये ट्रस्ट था, बाद में ये GDA के नाम से जाने लगा है। चूंकि कानूनी प्रावधान है 71-2 धारा जो है टाउन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट एक्ट की, उसमें स्पेसिफिक रूप से ये लिखा हुआ है कि एज सून एज पब्लिकेशन इज मेड अंडर सेक्शन 71-2 ऑफ द ट्रस्ट एक्ट देन एंटायर लैंड इन क्वेश्चन शैल वेस्टेड ऑटोमेटिकली फ्री फ्रॉम ऑल एनकमरेंसेज विद द ट्रस्ट। तो चूंकि उस वैधानिक भाषा, उस वैधानिक लैंग्वेज, उस स्टेट्यूटरी प्रोविजन का इंटरप्रिटेशन करते हुए माननीय न्यायालय ने पाया कि पब्लिकेशन की दिनांक के बाद से जो भी इस भूमि के संबंध में सेल ट्रांजेक्शन हुए हैं वो सब वॉइड एव इन इश्यू हैं, शून्य हैं, क्योंकि सब्सिक्वेंट परचेजर को इस बात की जानकारी होने के बावजूद भी कि ये भूमि, प्रश्नाधीन भूमि नोटिफिकेशन में पब्लिकेशन हो चुका है और ट्रस्ट की संपत्ति है, उसको अन्य लोगों को बेचा गया। चूंकि विक्रेता को कोई राइट नहीं है जमीन विक्रय करने का, तो सब्सिक्वेंट परचेजर दैट इज क्रेता, उसको भी कोई राइट नहीं होता है। ही हैड नो बेटर टाइटल देन द वेंडर हैड। वेंडर हैड मींस विक्रेता, जो कि कंपनी है। ग्वालियर के जयरोग अस्पताल परिसर में स्थित कमला राजा महिला एवं बाल चिकित्सालय के साइकिल स्टैंड के नजदीक खुले मैदान में 2 नवजात बच्चों के सिर मिलने से सनसनी फैल गई। घटना रविवार दोपहर बाद की बताई गई है। कंपू पुलिस को साइकिल स्टैंड के कर्मचारियों और अस्पताल के सुपरवाइजर सूचना दी। इसके आधार पर पुलिस ने दोनों बच्चों के सिर को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया है। साइकिल स्टैंड पर मौजूद रवि यादव के मुताबिक कुछ जानवरों को प्लास्टिक की पन्नी से मांस जैसी कोई चीज नोचते हुए उन्होंने देखा था। जब जाकर देखा तो उसमें 2 सिर रखे हुए थे जो नवजात बच्चों के लग रहे थे। कंपू पुलिस को सूचना मिलते ही वो मौके पर पहुंची और दोनों सिरों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। पुलिस के मुताबिक ये सिर परिसर में कैसे पहुंचे इसकी जांच की जा रही है और आसपास के लोगों से भी पूछा जा रहा है। अस्पताल परिसर के भीड़ वाले इलाके में इस तरह की घटना से सनसनी फैल गई है। कमला राजा हॉस्पिटल के पार्किंग में मिले शिशु के सिर से कंपू पुलिस को साइकिल स्टैंड के कर्मचारियों और अस्पताल के सुपरवाइजर ने सूचना दी थी। इसके आधार पर पुलिस ने दोनों बच्चों के सिर को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया है। साइकिल स्टैंड पर मौजूद रवि यादव के मुताबिक कुछ जानवरों को प्लास्टिक की पन्नी से मांस जैसी कोई चीज़ नोचते हुए उन्होंने देखा था। जब जाकर देखा तो उसमें 2 सिर रखे हुए थे जो नवजात बच्चों के लग रहे थे। कंपू पुलिस को सूचना मिलते ही वो मौके पर पहुंची और दोनों सिरों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। पुलिस के मुताबिक ये सिर परिसर में कैसे पहुंचे इसकी जांच की जा रही है। बच्चों के ना 2 बच्चों के सिर पाए गए थे। इधर की साइड में एक पहला सर इधर की साइड पाया गया था, दूसरा एक पीछे की साइड में। एक लेडीज ने उधर की साइड बताया था। उधर से निकल के भैया को पता पड़ी तो उनने सबको जानकारी दी है। फिर कर्मचारी आए, उन्होंने ले चुके। कौन रहता है? कौन सी जगह है ये? क्या है, पार्किंग है क्या? कमला राया की पार्किंग है ये। और जो मेन गेट है। तो बच्चों के पूरे शरीर थे क्या? थे पूरे शरीर नहीं, सिर्फ उनका सिर पाया गया था। धड़का अभी पता नहीं है। पुलिस आई थी फिर क्या? हाँ पुलिस आई थी, तय किया दो ही फूड वगैरह लेके चले गए थे। हाँ एक कुत्ता उनको खा रहा था, तो उन भाई साहब को कर्मचारी को पता पड़ी तो उनने उस कुत्ते को भगाया था। ये जीएच के जो सुपरवाइजर है सिक्योरिटी के, उन्होंने सूचना दी है कि कमला राजा हॉस्पिटल है उस कैंपस में 2 बच्चों के नवजात शिशु, एक संभवतः 1-2 दिन के है, तो उनके सर मिले अभी और अभी जाँच शुरू हो गई है।
सबको बरामद कर किस कंडीशन में थे सब, क्या क्या क्या? नहीं अभी ये पता नहीं चला, सिर मिले हैं उनको भाई, ये जानकारी अभी तक खा रहे थे नहीं, ऐसा कोई जानकारी नहीं। जांच की जा रही है, किनके है क्या? अभी काम ही हुई, अब जांच के लिए जा रहे हैं। क्या हॉस्पिटल प्रबंधन से बात हुई है आपकी इस विषय में? नहीं अभी कोई भी बात नहीं हुई है। ठीक है, अभी सूचना दी अभी जस्ट। ग्वालियर के कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत पंडित गुलाब मार्केट में विगत दिनों हुई चोरी और चौकीदार की हत्या की घटना के आरोपी को गिरफ्तार कर और भी चोरी की घटनाओं की पड़ताल की। आपको बता दें कि कोतवाली थाना पुलिस ने 12 घंटे के अंदर ही आरोपी को पकड़ लिया एवं पुलिस ने आरोपी नंद किशोर उर्फ निखिल निवासी हनुमान गली लाला का बाजार माधोगंज से पड़ताल में और भी चोरी की 6 घटनाओं का खुलासा हुआ। वहीं पुलिस ने चोरी का माल भी बरामद कर लिया और पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की शुरू। गुलाब मार्केट में जो चौकीदार की हत्या हुई थी और वो चोरी के दौरान ही हुई थी, तो वह जो आरोपी जो है इस प्रकरण में गिरफ्तार किया गया था वही नंद किशोर उर्फ भोला उर्फ निखिल शाक्य है, माधोगंज क्षेत्र का रहने वाला है। इसको तब से जो है पुलिस का स्टडी में है ये, इसका 3 बार पुलिस रिमांड लिया गया। चूंकि यह चोरी के वारदात के दौरान घटना हुई थी इसीलिए इससे जो है चोरी के वारदातों के बारे में ही पूछताछ की गई थी, जिसमें जो है इसके द्वारा पूर्व में की गई 6 चोरियाँ जो है बताई गई थी और चोरी से संबंधित सामान भी हमें बताया गया था। उसके संबंध में श्रीमान SP महोदय द्वारा स्वयं जो है कोतवाली आकर पूछताछ की थी, हम लोगों को निर्देशन दिए थे माइक टू वेस्ट श्री तोमर साहब एडिशनल SP साहब द्वारा भी मुझे और TI कोतवाली को जो है निर्देशन दिया गया था। उस आधार पर जो है पुरानी चोरियों के बारे में इससे इंट्रोगेशन किया गया था, जिसमें हमें 6 चोरियां जो है हमारे क्षेत्र की 5 हैं कोतवाली की और 1 माधोगंज क्षेत्र की, इस तरह 6 चोरियाँ जो है इसके द्वारा TI कोतवाली साहब द्वारा बरामद और उनकी टीम द्वारा बरामद की गई। लगभग ये 1.5 लाख रुपए समथिंग हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। इसमें कुछ चांदी के सिक्के भी हैं, कुछ सोने के आइटम भी हैं, पीतल के और तांबे के आइटम भी हैं, कुछ आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी है। ग्वालियर के सिंधी विहार कॉलोनी के मकान नंबर 18 में रविवार को मीटर में शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई। समय रहते फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और आग पर काबू पाया। सूचना मिली कि मकान में आग लगी है बिहार कॉलोनी सिंध बिहार, अब जो तो नाम उसने बच्चे ने नहीं लिखा होगा। अच्छा, तो जानकारी मेरे को प्राप्त हुई, मैं गाड़ी लेकर तत्काल मौके पर आया। आग मीटर में थी परंतु बिजली वालों ने लाइन काट दी, जो आग लगी थी उसको हमने पूर्ण रूप से बुझा दिया। मीटर में आग लगी थी, अब मकान तो पर्चा बना के जब मालूम चलेगा। अचलेश्वर न्यास द्वारा सोमवार को रंग पंचमी पर अचलेश्वर मंदिर से चल समारोह निकाला जाएगा। इस चल समारोह में भगवान भोलेनाथ बैंड बाजों के साथ ग्वालियर शहर में होली खेलने निकलेंगे। यह होली 21 क्विंटल फूलों से खेली जाएगी, इसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों के माध्यम से अचलेश्वर न्यास की ओर से सभी ग्वालियर के लोगों को होली की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जैसा आपको मालूम है कल 25 मार्च को रंग पंचमी है और हर वर्ष की बात ही इस वर्ष भी बाबा अचलनाथ अपने भक्तों के साथ जो सेवाधारी हैं उनके साथ होली खेलने स्वयं निकलते हैं, तो उसी की तैयारी चल रही है। आप लोग देख रहे हैं पीछे करीब 21 क्विंटल फूलों से हम लोगों ने होली खेलने की तैयारी की है। बाबा अचलनाथ अपने भक्तों से होली खेलेंगे। सुबह 11 बजे ये चल समारोह यहाँ से मंदिर से प्रारंभ होगा और इंद्रगंज चौराहा दालवेयार लोहिया बाज़ार ऊट पुल होता हुआ दौलतगंज जीवाजी चौक बाड़ा होता हुआ सराफा बाज़ार जाएगा। सराफे बाज़ार के बाद बाबा अचलनाथ राम मंदिर में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के साथ होली खेलेंगे फूलों की। उसके पश्चात गिरिराज जी मंदिर पर गिरिराज धरण से होली खेलेंगे। तत्पश्चात सबसे अंत में अचलनाथ बाबा सनातन धर्म में भगवान चक्रधारी के साथ होली खेलकर इस चल समारोह का विसर्जन होगा।
देखिए नया ये है कि हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं, ये मैसेज देने की कोशिश की थी हमने पहले भी कि पेड़ पौधों लकड़ी की कटाई ना हो, कंडों की होली हो। इसी तरह से इस समय इस बार भी हम लोग सिर्फ फूलों की होली खेलेंगे, गुलाल का कम से कम प्रयोग करेंगे, जिससे आने जाने वालों को जो लोग हैं उनको भी कोई परेशानी ना हो। चूँकि कल सोमवार है, सारे बाज़ार खुले रहेंगे, दुकानदारों को भी किसी तरह की समस्या ना हो, तो हम लोग ये कोशिश करेंगे कि सभी लोग फूलों से होली खेलें। ओबीसी महासभा ग्वालियर द्वारा रविवार को फूलबाग मैदान पर मानव श्रृंखला बनाकर विरोध प्रदर्शन किया। महासभा की ग्वालियर इकाई ने मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के विरोधियों द्वारा 27% आरक्षण पर रोक लगवाने के विरोध में मानव श्रृंखला बनाकर, हाथों में पोस्टर लेकर एवं मुंह पर काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। और हमारा जो अधिकार नहीं मिल रहा है तो हम उग्र आंदोलन भी करेंगे। और जो हमारी कोशिश है कि हम सोच रहे हैं कि हमारा एसटी एससी ओबीसी सब मिलकर के फिर हम वोटिंग का विरोध करेंगे और हम जो लोगों को वोट नहीं देंगे, सवर्ण प्रत्याशियों को बिल्कुल वोट नहीं देंगे। आज हमारा मौन धारण है, हमने काली पट्टी लेकर के और मुंह पे बांध करके हमने विरोध प्रदर्शन किया है। चूँकि क्या है कि अभी जो है आचार संहिता लागू हुई है तो हम उसका उल्लंघन नहीं करना चाहते हैं, तो हम मौन धारण करके विरोध प्रदर्शन करना चाहते हैं और जनता को और सारे भाइयों को बताना चाहते हैं, शासन प्रशासन को बताना चाहते हैं कि हमारा जो हक है वो हमें मिलना चाहिए। अग्रवाल समाज द्वारा रविवार को फूलबाग स्थित मानस भवन में 52 अग्रवाल युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया। महाराज अग्रसेन की पूजा अर्चना कर शुभारंभ किया गया। वहीं सभी अग्रबंधुओं ने काना के साथ फूलों की होली खेली। अखिल भारतीय अग्रवाल परिचय सम्मेलन द्वारा आज जहां 52वां आयोजन किया जा रहा है, इस संस्था के द्वारा पूरे देश में हर माह एक नए शहर में कार्यक्रम होता है और इससे पूर्व में 51 सम्मेलन हमने 10 राज्यों के 51 शहरों में किए हैं और आज 52वां आयोजन यहाँ पे किया जा रहा है, जिसमें लगभग काफ़ी शहरों से लोगों ने अपने विवाह योग बच्चों के पंजीयन कराए हैं। और इस अवसर पर एक पत्रिका का विमोचन भी किया गया, अभी रमेश अग्रवाल जी ने उसका पत्रिका का विमोचन किया है। और आज हमारे कार्यक्रम में काफ़ी गेस्ट भी हम लोगों ने बुलाए हैं, जिसमें पूर्व विधायक श्री प्रदीप अग्रवाल जी हैं, श्रीमती समीक्षा गुप्ता जी हैं और मध्य प्रदेश शासन की महिला विकास मंत्री श्रीमती इमरती देवी जी हमारे कार्यक्रम की मुख्य अतिथि के रूप में आज यहाँ होंगे। बस में महिलाओं व विकलांगों के लिए 5 सीट आरक्षित रखना अनिवार्य है, लेकिन इस आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है। इस बात को संज्ञान में लेते हुए आरटीओ ने सभी बस ऑपरेटरों को निर्देश दिए हैं कि 31 मार्च तक सभी बस ऑपरेटर्स गेट के पास वाली 11 से 15 नंबर की 5 सीटें विकलांगों के लिए व महिलाओं के लिए आरक्षित रखें। ड्राइवर के पीछे वाली सीट भी महिला के लिए सुरक्षित रखें ताकि महिलाओं को फीडिंग कराने में परेशानी नहीं हो। इस सीट के लिए पर्दा लगाना भी जरूरी किया गया है। और अब हमें दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए इंडिया खबर लाइव। नमस्कार।